जलगांव शहर में पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी है। शहर में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, वाहन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पार्किंग कहीं नहीं है। जलगांव शहर के महात्मा गांधी रोड पर कई ऐसे प्रतिष्ठान बने हुए हैं जहां पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन व्यवस्था है नहीं। सूत्रों के मुताबिक यहां बने हुए लगभग सभी छोटे बड़े प्रतिष्ठानों में नक्शे में बेसमेंट में पार्किंग दिखाई जाती है, लेकिन पार्किंग कहीं भी बनाई नहीं जाती। मनपा के ठीक सामने भी एक बड़ा मार्केट बनाया गया है जहां बेसमेंट में शायद पार्किंग होनी चाहिए, लेकिन वहां पार्किंग नहीं है, जिस वजह से इन सभी जगहों पर आने वाले ग्राहकों को अपने वाहन सड़क पर खड़ा करना पड़ता है। महात्मा गांधी रोड पर कई ऐसे नए बन रहे प्रतिष्ठान हैं जहां पर बेसमेंट में पार्किंग होनी चाहिए, लेकिन बेसमेंट में पार्किंग नहीं है, बल्कि वहां दुकानें बनाकर व्यवसाय करने का काम शुरू है। जलगांव शहर के जो व्यावसायिक मार्केट है, जो प्राइवेट मार्केट है, उसके अंदर है ना, जो नियम अनुसार है ना, बेसमेंट में पार्किंग छोड़ी जानी चाहिए, जो कि है ना, यहाँ के ना जो बिल्डर और जो महानगर पालिका के नगर रचना के विभाग के कुछ अधिकारी, इनकी अभद्र युति से इन्होंने ना छोड़ा हुआ नहीं है। ऑन रिकॉर्ड आप अगर आप देखेंगे उसके अंदर जो भी प्लान मंजूर प्लान वगैरह, उसमें सब में ही ये दिखाई देता है कि वहाँ पार्किंग है, लेकिन जगह पे आप प्रत्यक्ष अगर जगह पे जाके देखेंगे तो वो मार्केट में पार्किंग नहीं दिखाई देती है। इसके अंदर जो दोषी है वो है ना, अधिकारी भी दोषी है, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाइयां भी होनी चाहिए, क्योंकि है ना, जब तक के इनके ऊपर गुने दाखिल होना चाहिए। ऐसा है ना, जो टीपी टाउन प्लानिंग एक्ट है उसमें तरतूद दी हुई है गुने दाखिल करने की, लेकिन है ना, ये प्रश्न ये है कि आयुक्त जो है ना, इनके मेन सर्वे सर्वा है, ये इनके ऊपर गुना दाखिल करेंगे या इनमें इनकी भी मिली भगत है। इस संबंध में हमारी ओर से कई बार पत्राचार भी किया गया, शिकायतें भी की गई, लेकिन मनपा पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, हिलती ही नहीं। जलगांव शहर में वाहनों पर कार्रवाई हो रही है, पुलिस वाहन सड़क पर खड़े करने वालों को दंड लगा रहे हैं, लेकिन आखिरकार बाजार में शॉपिंग करने आए लोग अगर पार्किंग नहीं होगी तो क्या फिर वाहन अपने सिर पर रखेंगे? मनपा विभाग को, पुलिस विभाग को इन सब बातों पर विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्थाएं पूरी करना मनपा का काम है, और ऐसे में अगर वाहन पार्किंग की जगह नहीं है तो पुलिस वाले फिर किस हिसाब से वाहनों को दंडित कर रहे हैं। देखना है कि मनपा ऐसे प्रतिष्ठानों पर क्या कार्यवाही करती है जिन्होंने नक्शे में बेसमेंट तो बताया है लेकिन बनाया नहीं है। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया आप तक न्यूज के लिए। प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बापना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है।